अगर आप भी क्लास 12th के बाद बीए करने की सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी बीए का कोर्स कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीए करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आज के टाइम में बेस्ट होगा आपके लिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। देखो गाइस, बीए के बाद क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है बेसिकली। देखो, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि बीए करने के बाद आप आगे और पढ़ाई करें, कहने का मतलब है कि हायर स्टडीज़ के लिए जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, और तीसरा ऑप्शन है कि आप बिजनेस करें खुद का। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसे हम लोग अभी साइड कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में कि बीए के बाद कौन कौन से बेस्ट कोर्स हो सकते हैं जो कि आज के टाइम में आपको करना चाहिए। पहले कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर हम लोग कोर्सेज की बात कर लें तो देखो, बेसिकली मैं आपको चार कोर्सेज बता रहा हूँ जो कि टॉप के हैं इस समय। अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो दोस्तों आपकी जॉब बहुत जल्दी लग सकती है और सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। अगर हम लोग बात कर ले पहले कोर्स के बारे में, तो वो है LLB। जी हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना, इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों LLB का कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। LLB का कोर्स अगर आप ग्रेजुएशन के बात करते हैं तो 3 साल का होगा। इसके बाद दोस्तों आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, फ्यूचर में जाके जज भी बन सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। अगर हम लोग बात कर ले दूसरे कोर्स के बारे में, तो वो है दोस्तों BEd। जी हाँ, अगर आपको टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीचिंग प्रोफेशन वन ऑफ द बेस्ट है, पहले भी था, आज भी और फ्यूचर में भी रहेगा। तो अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद BEd का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद BEd का कोर्स आपका 2 साल का होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो MA कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप MA करते हैं तो ये भी कोर्स आपके लिए 2 साल का होगा। इसके अलावा जो चौथे नंबर का कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, वो है दोस्तों MBA। जी हाँ दोस्तों, अगर आप MBA का कोर्स कर लेते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी जगह से कोर्स करते हैं, तो दोस्तों आपको जॉब भी मिल जाएगी और बहुत अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो बेसिकली ये चार कोर्सेज हैं, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप इन सबका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये तो बात होगी कोर्सेज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हैं। देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होता है, उनका पहले से ही डिसाइड होता है कि उनको आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स करनी है। इसी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, तो दोस्तों आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 6-7 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊँगा। वैसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है कि बीए के बाद क्या क्या बन सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 6-7 टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब्स है UPSC, यानी कि आप UPSC के थ्रू IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें बहुत तरह की पोस्ट होती हैं, IAS IPS IFS, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिविल सर्विसेज का जो UPSC का एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप SSC में जा सकते हैं। SSC में बहुत तरह की वैकेंसी आती है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएं तो CGL वगैरह, इसमें भी आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। क्लास 12 के लेवल पे CHSL होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसमें आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, इन सब की जो वैकेंसी है रेगुलर आती रहती है। तो अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं, रेलवे में बहुत तरह की वैकेंसी जाती है, तो उसमें आप अच्छी तरीके से जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में जाने का, तो दोस्तों आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप स्टेट PCS की तैयारी कर सकते हो, कहने का मतलब कि आप DSP वगैरह बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो स्टेट SI, यानी कि UP SI, बिहार SI, राजस्थान SI, अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब चाहते हो, तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के करियर ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको टॉप के 6-7 बताए। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका इंटरेस्ट किस में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं, ताकि और भी लोगों को पता चल सके। हाँ, और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बोला, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर
करके, कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।